क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आप मेरी तरफ देखना पसंद ही नहीं करें? कोई ऐसी बात नहीं है, आप बताएं क्या कह रहे हैं। शुक्रिया, मैं आपका थोड़ा टाइम लेना चाह रहा था। जी बोले। मेरे ख्याल से आपके इल्म में ये बात तो ज़रूर होगी कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, और मैं अपना जवाब आपको बता चुकी हूँ। लेकिन लाइबा, आप मुझे मेरी खुशी क्यों नहीं देना चाहती? देखें शहजाद, आप जज्बाती हो रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि आप अभी कोई भी फैसला ऐसा लें जो बाद में आपको असीयत दे। लाइबा, आप इस बात का कैसे फैसला कर सकती हैं कि किस बात से मुझे तकलीफ है और किस बात से नहीं? मुझे पता है शहजाद, लेकिन आप समझने की कोशिश करें। लाइबा, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है आपके इस फैसले ने मुझे कितनी तकलीफ दी है। प्लीज आज मुझे इस बात का इकरार कर लेने दें कि मैं आपको बहुत अरसे से पसंद करता हूँ। ऑनेस्टली, सिर्फ हालात ने मेरा साथ नहीं दिया, जो कुछ हो रहा है ये कभी भी नहीं होने देता। वो बात पुरानी हो गई है और अब हकीकत ये है कि मैं एक तलाकशुदा लड़की हूँ जो कभी माँ भी नहीं बन सकती। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे खातिर अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस करे। आपको ऐसा लगता है मैं आपसे शादी करके मेरी जिंदगी सेक्रीफाइस होने लगी? जी ऑनेस्टली लाइबा, अगर आप मुझे ना मिली ना तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को मैं सेक्रीफाइस करूंगा। शहजाद, आप मेरी सिचुएशन समझ नहीं रहे हैं। तो आप समझा दें मुझे। देखिए शहजाद, आप मेरी जगह आकर सोचें, मुझ पर क्या गुजरेगी? मैं उसी घर में दोबारा दुल्हन बनकर जाऊंगी जहां पहले गई थी, जहां हर घड़ी मैंने रोज मरते और रोज जीते गुजारा। इसके गवाह तो आप खुद हैं। प्रॉब्लम आपको उस घर से? ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं वो घर छोड़ दूंगा। नहीं शहजाद, मसला घर नहीं है, वो रिश्ते हैं जिनको मैं दोबारा फेस नहीं करना चाहती। लाइबा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे साथ। मेरा जवाब आप सुन चुके हैं। प्लीज लाइबा, सिर्फ एक बार सोच कर तो देखो, शायद तुम्हारा दिल मेरी सच्चाई और मोहब्बत की गवाही दे दे। ठीक है, मैं सोच कर जवाब दूंगी, और अगर फिर भी मेरा जवाब ना हो तो आप प्लीज उसे मान लीजिएगा और सिद्द मत करिएगा। और अगर मैं कहूँ कि मुझे आपकी जरूरत है और मेरी खुशी के खातिर ही सिर्फ हाँ करता, क्या फिर भी आपका जवाब ना हो सकता?